आज हम ग्रामर सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर जो 2 है आप लोगों का क्वेश्चन उसके बारे में हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स लुक एट ऑन द बोर्ड एंड लिसन केयरफुली। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। ओके तो सवाल कैसे भी हो सकते हैं, बराबर जो सवाल है तो उस सवाल के हिसाब से ही हमें उस चीज का आंसर देना होता है। तो ए क्वेश्चन इज ए सेंटेंस। क्वेश्चन क्या होता है, एक तरह का सेंटेंस होता है, व्हिच आस्क समथिंग, जो हमें कुछ पूछते हैं, बराबर। नाउ लेट्स वी सी टाइप्स ऑफ अ क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जो यस और नो में आते हैं, बराबर। दूसरा होता है WH से जो स्टार्ट होते हैं वर्ड्स इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके जो WH जो वर्ड होता है जैसे कि हूज, व्हिच, वेयर, व्हाई, व्हाट, इस तरह के WH से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ओके और तीसरा आता है टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन में कैसा होता है कि जो क्वेश्चन है, बराबर, तो उसमें से ही हमें मिक्स करके हमें आंसर बनाना है। जैसे कि फिर वो कैसा आएगा, नेगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है। नेगेटिव में आता है जैसे कि इज है, तो इसको हमें नेगेटिव में करना है तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी टी लगाएंगे, एन एपोस्ट्रॉफी टी, तो उसका क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा, बराबर। तो उसे कहते हैं टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन में कैसे होते हैं कि जो आपका जो वर्ड है उसमें आपको मैं बताऊंगी आगे कि जो वर्ड्स होते हैं तो उनको हमें नेगेटिव वर्ड में चेंज करना है, तो और उसे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इस तरह से टैग क्वेश्चंस होते हैं जो एन एपोस्ट्रॉफी टी लगा के उस वर्ड जो वर्ब होता है उस वर्ड को हम टैग क्वेश्चन में चेंज करते हैं। ओके नाउ लेट्स वी सी टाइप्स ऑफ अ क्वेश्चंस। अ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट आंसर इज नीडेड। ये उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसे किस तरह का आंसर चाहिए। ओके नाउ लेट्स वी सी, अब हम देखते हैं पहला वाला जो है यस और नो वाले क्वेश्चन, बराबर। वो हमें कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका हमें आंसर किस में देना है, यस या फिर नो में ही देना है। मतलब कि आपको पूरे सेंटेंस में नहीं देना है, पूरा उस चीज को डिस्क्राइब करके नहीं बताना है। आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसको आपको एकदम सिंपली यस और नो में ही उस चीज का आंसर देना है। तो इधर एग्जाम्पल से आर वी लेट, तो आपको एकदम सिंपली यस और नो में ही आंसर देना है। इज शी इल टुडे, वॉज शी प्रेजेंट इन द मॉर्निंग, ऐसे यस और नो में है, बराबर। तो आपको यस और नो की जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स वी सी द क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन इट मींस अ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जिसका वर्ड जो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता हो तो उस तरह के क्वेश्चन उस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं क्वेश्चन। नाउ लेट्स वी सी दिस क्वेश्चन रिक्वायर द लिसनर, जो सुनता है, बराबर, टू द सप्लाई इंफॉर्मेशन, जो हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। आंसर टू दिस क्वेश्चंस कैन नॉट बी अ वन वर्ड आंसर, लेकिन उसका जो आंसर है वो उसको हम वन वर्ड के आंसर्स में लिख सकते नहीं, हमें उस सेंटेंस को पूरी तरह से डिस्क्राइब करके बताना होता है। नाउ लेट्स वी सी आंसर टू सच ए क्वेश्चन इज ए कंप्लीट सेंटेंस। उस क्वेश्चन का अगर हम आंसर कंप्लीट सेंटेंस में देना जरूरी होता है। नाउ लेट्स वी सी WH क्वेश्चन स्टार्ट विद अ व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु और हाउ, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के वर्ड्स होते हैं जो इस चीज को हम यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं और आगे पूछते हैं, जैसे जो हमें सप्लाई क्या करेगा, इंफॉर्मेशन करेगा कि इस चीज का ऐसा होता है। Now let's see who likes football, ये ऐसा है, बराबर। तो who likes football, तो इसके अंदर हमने क्या यूज किया, WHO, who यूज किया, it means a WH question यूज किया। The WH word substitutes for the subject, वो किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है, किसके अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर आता है। Now let's see the tag question, okay? Question tag क्या होते हैं, so most questions are used to inquire about something or to request information, बराबर, कि जो question inquire करते हो कुछ, बराबर, कि उन्हें कोई एक information चाहिए जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं, request कर रहे हैं। okay we can also add a short question, जिसके लिए हम क्या add करते हैं, एक तरह का short question add करते हैं। और what
और जब हमें कुछ बताना हो बराबर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो जो लिसनर होता है उसे एग्री होना चाहिए। नाउ इफ द लिसनर एग्रीज अस विद अस, दिस इज कॉल्ड ए क्वेश्चन टैग। ठीक है, अगर जो लिसनर है जो सुन रहा है अगर वो एग्री है तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन टैग कहेंगे बराबर। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल में लिखा गया है, इट इज नाउ 5 o'clock बराबर, तो कॉमा करके जो जो हमने जो वर्ड लिया है टैग क्वेश्चन, उसको कॉमा करके लिखा जाता है। टैग क्वेश्चन को हमेशा कॉमा करके लिखा जाता है, और कैसे, तो इज दिया है स्टार्टिंग में, इज दिया है और फर्स्ट वर्ड इट दिया है, तो उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। कैसे, नॉट पे चेंज किया तो इज नॉट इट, इजंट इट कहेंगे उसे। ठीक है, इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो इट इज 5 o'clock नाउ इज ए स्टेटमेंट, जो हमारा कॉमा के पहले जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है, एक तरह का स्टेटमेंट है। और इज नॉट इट इज ए क्वेश्चन टैग ऑन द स्टेटमेंट, और जो हमने इजंट इट लगाया तो वो हमारा कैसा सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग सेंटेंस है। देयर इज ए कॉमा सेपरेटिंग द स्टेटमेंट, क्या किया है वहां पर, एक कॉमा किया है जिससे हमें पता चलता है कि वो सेपरेटिंग, उसको सेपरेट किया गया है बराबर। स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन टैग, योर आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी, इस तरह से ये आपका क्या है, क्वेश्चन का आंसर है। टू दिस क्वेश्चन कैन बी यस इट इज, अगर वो हाँ में है तो वो इट इज आएगा, अगर वो ना में है तो इट इजंट, मतलब इट इज नॉट बराबर। तो इस तरह से ये होता है। नाउ लेट्स वी सी, यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल्स दिए गए हैं। वी कैन सिट अंडर द ट्री, तो कैसा आया, जो कैन है उसको हमने क्या किया, नेगेटिव में चेंज किया तो कांट आया बराबर, सी ए एन एपोस्ट्रॉफी टी, कांट वी, वी को हमने लिया तो वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बराबर। दे शुड नॉट, इसमें डायरेक्टली पहले ही टैग क्वेश्चन यूज किया गया है, तो हमें उसको कैसे करना है, शुड दे में करना है। दे शुडंट, दे शुड नॉट स्पीक इन दैट कैनल, शुड दे, तो उसका आंसर क्या आया, शुड दे, कि जो नाम में था उसको किस में कन्वर्ट किया, तो हाँ में कन्वर्ट किया। दे सैंग द फिफ्थ सॉन्ग तो डिड नॉट दे, वो गाना गा रहे हैं, अब उनको हमें किस में चेंज करना है, नाम में चेंज करना, तो वो क्या हुआ, डिड नॉट दे में हो गया। तो आज का यही आपका चैप्टर था क्वेश्चन, आई होप कि आज का ये चैप्टर था आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगी जो आपको खुद घर पर करना है। We learn from this chapter, chapter number 2, questions in 7th standard. Here is your homework. Okay, ये आपका homework है जो आपको खुद घर पर करना है. Now students, thank you so much for watching my video. See you in the next video.